ग्वालियर की महाराजपुर थाना पुलिस ने 5 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है जो एक व्यवसायी को ब्लैकमेल कर उससे 50,000 रुपए हड़पने की फिराक में थे। पुलिस ने बताया इन्होंने जयपुर और अन्य शहरों से भी अवैध वसूली की है। पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर के मुरार में रहने वाले सूरज कौशल शेयर मार्केट का काम करते हैं, जिनके डीडी नगर स्थित ऑफिस पर कल 5 लोग आए जिन्होंने खुद को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पत्रकार बताया और धमकी दी कि तुम फर्जी कंपनी चला रहे हो और तुम्हारी खबर बनाते हैं और उसे धमकाने लगे। बाद में उन्हीं में शामिल दीपक तिवारी पीड़ित सूरज के पास दोबारा गया और मामला निपटाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे और शाम को महाराजपुर गेट 2 पर मिलकर पैसे देने को कहा। सूरज ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पैसे देने के दौरान पुलिस ने 5 को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सभी पत्रकार फर्जी निकले। जो हम लोग पत्रकार हैं ये अपने पास तेलका की CNN अखबार आज तक और मनवाधिकार मीडिया के कार्ड वगैरह लिए थे और ID लेकर उसको चमकाने लगे थे और बोले हम तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे। ठीक है, उसका भी बाहर निकल आए तो उसके बाद इनके बाद दीपक तिवारी करके एक आदमी दोबारा लौट के पहुँचा कि मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूँगा और तुम्हें 50,000 रुपये देना पड़ेंगे। किसी चैनल के नाम पे जो अड़ीबाजी करके पैसे मांग रहे थे तो 384 का भी FIR है। बाकी अभी चैनल वालों से मैं पत्र लिख के पूछूंगा, अगर बता देंगे अनऑथराइज्ड तो 420 का इजाफा किया जाएगा। पकड़े गए फर्जी 4 पत्रकारों में सुभाष शुक्ला भगवान बसंत विजय सिरोलिया हुकुम सिंह सभी इंदौर के और दीपक तिवारी ग्वालियर के डबरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को पूछताछ में इन्होंने बताया कि 5 नवंबर को निकले हैं और जयपुर सहित अन्य शहरों में भी इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करते आए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी भी ले रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।